हिमालय के आंचल में बसा हुआ अरुण भूमि अरुणाचल, जहां देश में सबसे पहले सूरज अपनी मनोरम छटा बिखेरता है। पर्वतों, नदियों, झीलों, वन्य जीव और वनस्पतियों से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत अति प्राचीन है। यहां के धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान यहां की विशेषता है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के रूप में ईटा फोर्ट, मालिनीथान मंदिर, परशुराम कुंड, तवांग मठ, द्वितीय विश्व युद्ध समाधि स्थल आदि इसके गौरव को दर्शाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक रूप से 3 क्षेत्रों में विभक्त हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। अरुणाचल प्रदेश एक बहुरंगी भौगोलिक विविधता से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से 26 प्रमुख जनजाति और 100 से भी अधिक उप जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग आई कैचिंग हैंडीक्राफ्ट बनाने में पारंगत हैं। उनके उंगलियों में जादू है, जिसके माध्यम से खूबसूरत डिजाइन के कपड़े बुनते हैं। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की मेहनती महिलाएं इस क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं। बुनाई एवं रंग संयोजन के क्षेत्र में इनको विशेषता हासिल है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली में लायन लूम वीविंग समाहित है। राज्य के लायन लूम वीविंग की खास बात यह है कि इसमें ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक रूप से तैयार रंगों और धागों का उपयोग किया जाता है। इस तरह यह पद्धति इको फ्रेंडली भी है। भारत में कृषि के बाद हैंडीक्राफ्ट उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग साबित हो सकता है। लायन लूम वीविंग को प्राथमिकता से विकसित कर अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही लायन लूम कला का जादू यहाँ की महिलाओं के उत्थान में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लायन लूम वीविंग अरुणाचल प्रदेश की एक पारंपरिक कला है, जिसमें यहाँ की जनजातीय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कला आकर्षक डिजाइन, खूबसूरत रंग संयोजन और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। परिधान निर्माण की इस तकनीक में डिजाइन के अनुसार 2 चरण हैं, ताना यानी वेफ्ट और भरनी यानी वार्प। आधुनिक युग में राज्य के जनजातीय पहचान, यहाँ के विशेष परिधान को बनाए रखना एक चुनौती है। अब युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर सरकारी या प्राइवेट नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय कर रही है और वे पारंपरिक लायन लूम वीविंग से कटती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश के दौरे के समय लायन लूम वीविंग के विकास पर बल दिया था। वेस्ट कामेंग जिले के शेरगांव में शरदुकपेन जनजाति के लायन लूम वीविंग की परंपरा बेमिसाल है। ये लोग कपड़ों की बुनाई करते समय मोनपा जनजाति की तरह तीर, फूल, पहाड़ और अन्य प्राकृतिक चिन्हों का उपयोग करते हैं। We'll be right back.
मैं सरगांव का हूँ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिंग बोमडिला का। तो ये हमारा सेटुपमेंट का बैग बना रहा है। तो हमारा सेटुपमेंट का बैग बहुत एक तकलीफ है, मेहनत करना पड़ता है। और ये बैग का देखिए आप लोग, ये पूरा एकदम ए टू जेड ऐसे करके बना के, और ये इसलिए है कि हमारा सरगांव का सेटुपमेंट का लड़की लोग शादी होता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देना पड़ता है। इसलिए ये हमारा सेटुपमेंट का बैग है। तो ये ऐसे बना के उसके बाद में ये हमारा जेंट्स का लड़का लोग का बैग भी होता है, ये छोटा एक छोटा सा एक बैग होता है यहाँ पे। तो वो भी हमारा ऐसे सेटुपमेंट का कल्चर होता है उसमें पूरा यूज़ करता है। ऐसे छोकर पूजा है और लोसर फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारा लड़का लोग ये बैग को ऐसे बुकते हैं। तो और इस ये बनाने का हमने ऐसे 20-22 साल से शुरू किया है बनाने के लिए। तो वैसे हमारा कल्चर जो मतलब ऐसे अभी आजकल तो बच्चा लोग पूरा पढ़ाई करके बाहर चलता है, बाहर जाता है, इसलिए ये नहीं सीख पा रहा है। इसलिए हम लोग ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी खुला है। तो उसका वजह से हमारा नाम में और स्टेट लेवल में एक अवार्ड भी मिला है, इन ये हैंडीक्राफ्ट का हैंडलूम का मैं थर्ड प्राइज मिला हूँ। तो उसमें हमारा सेटुपमेंट का बैग एक एग्जीबिशन के लिए दिया था तो उसमें सेलेक्ट हो गया था थर्ड प्राइज के लिए स्टेट लेवल में। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हुआ है। हमारा ग्रुप का सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमारा 16 मेंबर्स हैं। तो उसमें हमारा ग्रुप में बहुत एकदम, इसलिए हमारा कल्चर को ख़त्म हो रहा है बोल के इसलिए हम लोग ने पूरा वो कर रहा है, मतलब शुरू करा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे से अभी तो ऐसे शुरू हो रहा है और डिमांड आने से हम लोग से बना देता है, उसके बाद में सेलिंग करते हैं। ये सेटुपमेंट का बैग है। तो हमारा ये लड़की लोग शादी जाने में ये बैग को दे के भेजते हैं। वैसे हम लोग का ये बैग बनाने में बहुत मेहनत है। वैसे बनाने में एकदम 24 आवर्स बनाने से 10-12 दिन लगता है। तो ऐसे मतलब कभी कभी टाइम मिलने में बनाने से 15 दिन लगता है।
जींस का बैग बना रहा है, ये तो नया सूता है, मॉडर्न सूता ना। ये पहले जमाना में तो हम जंगल से लेके आके बहुत मेहनत करना पड़ता था, अभी वो वाला नहीं मिलते, इसलिए ये नया सूता से जींस का बैग बना रहा है। ये 2-3 दिन में हो जाता है, जो स्मार्ट वाला तो ना, जो सीखने वाला जो 5-6 दिन लगते हैं, बाद में जाके ये बन जाता है। Indian Weavers, poem by Sarojini Naidu. Weavers, weaving at break of day. Weavers, weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child.
we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon white, blue as the wing of a halcyon white. We weave the robes of a newborn child. We weave the robes of a newborn child. हमारे जो आर्टिशियंस है, वीवर्स है, स्पेशली वोमेन जो है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कुछ सस्टेनेबल इनकम के सोर्स कैसे दिए जाए, उनके लिए हमेशा सर हमेशा एडवाइस सजेशन और कितना स्कीम सर दिल्ली में सबमिट करते हैं आपके लिए? आज जितना भी एक्सपो में जो हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग जो जो डिस्ट्रिक्ट से आकर के इन्होंने जो एग्जीबिशन किया, उसी की तरह हमारा जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग जितना भी महिला हो वुमेन ग्रुप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है कि नहीं, हम खुद इनकम हो सकता है, हम आत्मनिर्भर इसमें हमारा पैदामान होगा, ये सबसे अच्छा एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है। आप ईस्टर्न अरुणाचल का और वेस्टर्न अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव, उसी डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव और ईस्टर्न अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव का जो आर्ट जो क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट का जो है, उसमें हैंडलूम का कुछ उस ढंग का यहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम से आप हम डायरेक्टर और सेक्रेटरी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप नेक्स्ट टाइम उन लोग को भी कम से कम पार्टिसिपेट करने का मौका दें और उन लोग को भी समझाए। कोई कोई पार्टिसिपेंट जो अभी आया है आज एंटरप्रेनर है, बहुत ये है प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा आइडिया है, नॉलेज है, उसको थोड़ा हम लोग आगे ले जाने के लिए यह सब का जरूरी है। वर्तमान समय में हथकरघा उद्योग यानी लायन लूम हैंडीक्राफ्ट प्रमुख आकर्षण के केंद्र के रूप में
अरुणाचल प्रदेश के गांवों में प्रतिष्ठित हैं। हस्तकला उद्योग से लोगों के बीच उनके मूल्य और विचारधाराओं को बल मिला है। लुप्त होती इस पारंपरिक कला को पुनर्जीवित एवं संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।